हाँ, तो हम बात कर रहे थे साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स की। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लॉग एक्स माइनस क्यों आया कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा लॉग एक्स का बन वही है। तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस एक्स लॉग एक्स को बाहर ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखिए, अगला होता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर आएगा फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा नीचे वाला फंक्शन ऐसे का डिफरेंशिएशन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है जो फॉर्मूला बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लगाई है, लगाए आप एक एक करके इन्हें देखिए तो आपको समझ में आएगा ये क्या होते हैं। आपको टेन इनवर्स एक्स क्वाड्रेटिक सबका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, या टेन इनवर्स एक्स के साथ एक एक्स और होना चाहिए था, टेन इनवर्स एक्स इंटू 2x+4 है यहाँ आएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगला होता है चेन रूल। तो मैं आपको बता दूँ, चेन रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। मतलब अगर चेन रूल अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। मतलब अगर पूरा सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है चेन रूल। क्लियर है, चेन रूल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चेन रूल क्या है बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डिफरेंशिएशन में जिसको चेन रूल आता है सब कुछ आता है, चेन रूल नहीं आता मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो हम फॉर्म वन की बात करें तो फॉर्म वन है एफ वाई बराबर एफ डब्ल्यू और डब्ल्यू बराबर जी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, पहले एफ वाले का डिफरेंशिएशन करो, मतलब डी वाई ओवर डी डब्ल्यू करो इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। तो आप देखोगे यहाँ डी डब्ल्यू सी डी डब्ल्यू कैंसिल अगर कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आता है। मतलब आपको जितने ही फंक्शन चैट में दे रखे हैं सबके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वाई बराबर साइन एक्स की पावर 8, वाई बराबर साइन एक्स की पावर 8। तो यहाँ मैंने क्या बोला, टी बराबर साइन एक्स मान लिया तो वाई बराबर हो गया टी की पावर 8 और टी बराबर साइन एक्स। तो आप क्या करो, पहले टी की पावर 8 का डिफरेंशिएशन कर दो इंटू साइन एक्स का, या फिर ये फालतू गिरी छोड़ के आप डायरेक्ट सीखिए। डायरेक्ट कैसे करते हैं तो वो भी बताता हूँ। 8 पावर 6, जैसे आप साइन एक्स की पावर 8 को एक्स की पावर 8 मान लीजिए, एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा 8 × x^7, तो 8 × sin x^7। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस कर दीजिए, क्योंकि ये मानने वाला मेथड बहुत लेंथी होगा सिर्फ बेसिक को समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगले क्वेश्चन में देखिए, वाई बराबर दिया है, डब्ल्यू बराबर दिया है, वी बराबर दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले वाई का डिफरेंशिएशन, फिर डब्ल्यू का, फिर वी का। ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया। इसको और आगे चाहिए तो डब्ल्यू की वैल्यू वी के टर्म में लिखिए और फिर वी की वैल्यू एक्स के टर्म में लिखिए, तो आपको एक्चुअल डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। मेथड टू जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया, चेन रूल जिसने समझ लिया ना उसका डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर एफ जी एच 3 फंक्शन लिए और मुझे बोला इनका डिफरेंशिएशन करो, तो जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा, जब भी कुछ भी आएगा, जैसे साइन एक्स की पावर 8 मैंने ऊपर लिया था वो भी एक तरह से कंपोजिट फंक्शन था। ठीक है, तो 3 कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पर, तो अब तीनों फंक्शन एफ जी एच। तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, तो आप देखोगे मैंने एफ वाले का किया है। ठीक है, उसके बाद जी का, उसके बाद एच का, तीनों का आप डिफरेंशिएशन करते जाओ आंसर आ जाएगा। समझाने के तौर पर मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ये मैंने खतरनाक सा एग्जांपल जानबूझ के हर साल लेता हूँ ताकि सारी थ्योरी क्लियर हो जाए। तो रूट के अंदर साइन की पावर 8, तो बेसिकली हाफ पावर 8, पावर का मतलब हो गया 4। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम पावर सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर हम बोलें साइन समथिंग की पावर 4, तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो एक्स की पावर 4 है, जिसमें एक्स की वैल्यू साइन समथिंग रखी गई है। क्लियर है, तो सबसे पहले 4 पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारी 4 पावर आगे आ जाएगी और 4 की जगह हो जाएगी हमारी 3 पावर। 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 3 पावर। तो साइन क्यू अंदर वाला फंक्शन ऐसे ही ऐसा। तो अब देखो कि मैंने 4 पावर सॉल्व कर ली, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है साइन। तो
तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस पूरा ऐसे का ऐसा, क्लियर है। चलो तो ये साइन का सॉल्व हो गया, फोर का सॉल्व हो गया। अब लॉग की पावर थ्री में से थ्री डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो हम अगर तरीके से करें तो तीन आगे दो पावर बचेगी इंटू अंदर का ऐसे का ऐसा इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन वाई एक्स होता है, तो अंदर जो भी कचरा है वो वन अपॉन वन आ गया। सिंपली आगे टेन स्क्वायर के पास गए तो टेन स्क्वायर का होता है टू टेन इंटू टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब अंदर ई की पावर एक्स से मुकाबला हुआ तो थ्री की पावर थ्री एक्स प्लस एट एक्स में तीन मल्टीप्लाई है तो तीन आगे आ गया। आप थोड़ा समझने का ट्राई करिए, एक दो क्वेश्चन खुद से करिए, आपको डाउट है तो एक दो क्वेश्चन खुद से उल्टे सीधे बना के उनका डिफरेंसेशन करके मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो सही है या गलत है। चलो अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो है साइन क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले हम तीन पावर आ गया कि दो पावर बचेगी, फिर साइन का करेंगे, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो आप एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखिए, अगर जो एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए वो मुझे बताइए। जैसे कि दो, जैसे हाफ पावर, तो हाफ पावर का दो आगे आ गया, हाफ में से माइनस वन पावर करके रूट। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है वो वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स होता है, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स होता है, इतना होता है वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, क्लियर। आप याद कर लीजिए, सिंपली यहाँ भी तीन पावर आगे आएगी, उसके बाद एक्स स्क्वायर एल एन एक्स की पावर दो, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा लॉग एक्स का वन वाई एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसा एक्स स्क्वायर का टू एक्स। सिंपली लॉग में से पाँच को हम डायरेक्टली बाहर भी लिख लें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और आप जैसे भी करना चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग में से सर ये पाँच पावर बाहर नहीं आती, इसी तरीके से होगा। चलो टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स एक्स का किया वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का किया, तो ये हमारा चैन रूल है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो ये है साइन कॉस एक्स क्यू। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्यू कैसे करते हैं, तो साइन कॉस एक्स क्यू में साइन का कॉस इंटू कॉस एक्स क्यू का माइनस, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये तीन यहाँ नहीं आएगा, ये तीन यहाँ आएगा, साइन एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। तो आप उम्मीद है समझ लोगे, सही कर लोगे। अगला है फॉर्म थ्री, तो मैं केवल फॉर्म थ्री तक इस लेक्चर में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक भी समझा तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी ए, तो आप क्या करोगे, तो आप दोनों का अगर आपको बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो पहले जिसका निकालना है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, क्लियर। जैसे साइन एक्स का कॉस में, तो साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा, कॉस का नीचे आएगा। अगला डी ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स का, तो ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। सिंपली यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर का देखिए, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आप समझने का कोशिश करिए। सिंपली एक और तरीका है फॉर्म फोर, वो भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ टी के दो फंक्शन दे रखे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। जैसे वाई और एक्स दे रखा है, तो वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सिमिलर तरीका है। सारे क्वेश्चन आप एक एक करके देख लीजिए, समझ में आएंगे मुझे पूरा पूरा उम्मीद है। जैसे एक्स और y दे रखे हैं डी वाई ओवर डी जेड, तो पहले हम y का करेंगे, तो y का कैसे करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन है, तो माइनस वन आ गए, माइनस दो पावर हो गई, और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू जेड। सिंपली x का करेंगे तो जेड स्क्वायर का टू जेड, फाइव जेड का फाइव, और जेड की वैल्यू वन डाल दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने फॉर्म फोर तक हमने पढ़ा, यहाँ तक का डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि सी ए एच ए में कहाँ तक करना है, तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छी तरह एक बार देख लो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो एक बार देख सकते हो आप, और इसे अच्छे से करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।